दोस्तों क्या आपको पता है, एक बार भगवान विष्णु ने महादेव का घर छीन लिया था। दरअसल एक बार भगवान विष्णु को एक ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ पर वो शांति से ध्यान लगा सके। भगवान विष्णु ने ऐसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में कौन कहता है मेरे द्वार पर मांगने वाले गरीब आते हैं, जो मेरे द्वार पर आ जाए वो सबसे ज्यादा नसीब वाले होते हैं। जो मेरे द्वार पर आना चाहता है वो इस वीडियो में जय माता दी लिखकर पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूले। पर उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। अंत में भगवान विष्णु धरती लोक पहुँचे जहाँ पे उन्हें बद्रीनाथ दिखा। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, पर पहले से ही वहाँ पर महादेव और माता पार्वती निवास कर रहे थे। पर भगवान विष्णु को वो स्थान चाहिए था क्योंकि उन्हें ध्यान लगाना था, इसीलिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक। बालक का रूप धारण करके कुटिया के अंदर चले गए। थोड़े देर के बाद महादेव और माता पार्वती स्नान करने के लिए बाहर निकले। जब महादेव और माता पार्वती वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कुटिया का दरवाजा बंद है। तब महादेव समझ गए कि वो भगवान विष्णु थे, जिसके बाद महादेव और माता पार्वती बद्रीनाथ को छोड़कर केदारनाथ चले गए।